पप्पा लेके आया काफी देर, कम से कम 10 मिनट हो गए। और दो इडली लिए, दो मेदू वड़ा लिया है, ये सांभर है, ये नारियल की चटनी है। मुंबई डॉक है जो पानी का जहाज है, तो वहाँ से जो बाहर से सामान आता है तो यहीं से निकलती है सारी। आते खाते ऐसे मिल जाते हैं दोस्त कि इन्होंने पूछा कि आपके चैनल का नाम क्या है और हाथों हाथ सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। या थैंक्स। संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। गुड इवनिंग दोस्तों, और एक नए ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शाम को पापा और मैं निकले हैं अभी थोड़ा ऐसे तफरी मारने के लिए, थोड़ा खाएंगे पिएंगे, थोड़ा चाय वाय पिएंगे, थोड़ा कहीं जाएंगे और एक काम है पहले वो कर लेंगे। इसलिए अपने नियरेस्ट मार्केट में आए हैं, तो यहाँ पे वो काम निपटाते हैं। ये देखो इस स्टाइल में आया, निकर में आ गया क्योंकि दो जीन्स लेके आया था, आज ही सुबह धोया, सूखा नहीं था। बड़ा पाव के लिए इतनी भीड़, तो कुछ तो है यहाँ, खा के बताते हैं कि क्या स्पेशलिटी है। पापा लेके आया काफी देर, कम से कम 10 मिनट हो गए, 15 मिनट से ऊपर। और ये नई दुकान है लेकिन इतनी भीड़ है फिर भी। अच्छा, डिफरेंट है, बढ़िया है। एक बाइट से पता चला कि कुछ तो डिफरेंट है, अदरक का फ्लेवर आ रहा है अलग से, और एकदम फ्रेश है, गरम है, कुछ तो डिफरेंट है, और इसीलिए भीड़ भी। पूरा बड़ा पाव खाने के बाद पता चला कि इसमें कैरियाज भी थी, अदरक भी था, मतलब कुछ अलग, या तो चटनी है या इसके अंदर कुछ फीलिंग अलग है, मूंगफलियाँ भी थी, तो मतलब कुछ स्पेशल है, इसीलिए भीड़ है। चाय भी बहुत मस्त है। स्पिनिंग मतलब स्नैक्स के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है, अफोर्डेबल है, और बड़ा पाव कुछ अलग है, हाइजीनिक भी है, इतना महंगा भी नहीं। चाय भी 10 रुपए की, और बड़ा पाव कितना, 20 रुपए का बड़ा पाव, लेकिन अभी भी टेस्ट है। मौसम ना बहुत प्लेजेंट हो गया है, और यहाँ का ना मौसम आजकल दोपहर ही थोड़ी गर्मी है, लेकिन यार शाम को ठंडी एकदम, बहुत ही मस्त हवा चल रही है। पोरबंदर रोड पहुँच गए हम लोग। कैथलॉन हम लोग पहुंच गए, और बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। 599 का अभी नहीं ले रहे, बस पूछ के रखा है, तो ये होने से काफ़ी मदद मिल जाती है, मतलब घुटने को सपोर्ट के लिए। घूम फिर के टाइम पास करके हम लोग आ गए, और इस एरिया में आके मज़ा ही आ जाता है यार, खुला एरिया है ना, यहाँ हवा कुछ अलग लेवल की चलती है। और घूम फिर के वहीं पर आ गए जहाँ पे बड़ा पाव खाया था, और ये कोकम शरबत, मज़ा आ गया भाई। और वैसे भी कोकम शरबत ना गर्मियों में पीना चाहिए, हेल्थ के लिए तो अच्छा ही अच्छा है, और बॉडी को ठंडी रखती है। सेम नाइट नहीं है, उसके अगले दिन की नाइट है, मतलब कल संडे था, आज मंडे है। तो पापा ऑफिस गया था, ऑफिस से आने के बाद अभी खाना वाना खाने के बाद अभी 10 बज रहे, तो 10 बजे हम लोग निकले हैं थोड़ा टहलने के लिए, खाने को हजम करने के लिए। और नाम है सोडा पार्लर, मतलब खाओ और यहाँ पियो, गैस निकालो। लेमन है, कोला है, ऑरेंज है, स्ट्रॉबेरी है, जीरा मसाला है, फिर क्या है, ब्लूबेरी है, फूड बियर है, मैंगो लीची, ग्रीन मैंगो लीची, काला खट्टा। देखो इतने सारे फ्लेवर है, हम लोगों ने लिया है जीरा मसाला। पान बन रहा है भाई, मीठा पान बन रहा है, और ये मासी के लिए लेके जा रहे हैं। पूरा पूरा पान नहीं खाती है, वो फ्रिज में रख देंगी, खाना खाने के बाद थोड़ा सा तोड़ के खाएगी। तो मतलब हमारे असम बंगाल में ना खाना खाने के बाद पान खाने का रिवाज है, और मतलब यहाँ जैसे सौंफ खाते हैं, और असम बंगाल में पान खाते हैं, तो अभी कल्चर तो जिंदा रखना है ना, तो इसीलिए एक पान बनाते हैं और हफ्ता भर चलाते हैं उसको, तोड़ तोड़ के मसी खाती है, तो उनके लिए पान बनाया जा रहा है। क्या मैसेज बोला, एक पान एक सप्ताह में नहीं खा, जैसे एक पान दो दिया, तीन अच्छा, दिन मैंने में हो जाती है। हाँ, तो फिर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, तो एक पान तीन दिन समझ। और देखो चलते चलते हम थोड़ा दूर निकल आए, और यहाँ पे यही अच्छी बात है कि बहुत खुला खुला जगह है। पान बना लिया, ये हाथ में पान है, आधा घंटा ऐसे वॉक करके फिर घर चले जाते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो पापा सुबह सुबह 7 बजे निकल गया था ऑफिस में, साउथ इंडियन ही खा लेता हूँ, आज निकलना है मेरे को दोपहर को। मासी को भी बोला है कि आपको भी बनाने की जरूरत नहीं है, तो मासी के लिए भी पैक करा के ले चलेंगे। कल जहाँ खाए थे वो बंदा है या नहीं, ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पे ना बहुत घचड़ बचड़ हो रखा था,
और मैं यही सोचता था यार इतनी अच्छी जगह मेंटेन क्यों नहीं कर रखी है। देखो अभी ये जगह ना बहुत साफ सुथरा कर दिया है, तो यहाँ गार्डन टाइप बना देंगे तो ये अच्छा हो जाएगा एकदम, और हरा भरा हो जाएगा और खूबसूरत हो जाएगी ये जगह। और यहाँ देखो गर्मा गर्म मेदू बड़ा बन रहा है, यहाँ पे आपकी आंखों के सामने बनता हुआ मिल जाएगा, गर्मा गर्म है, हाइजीनिक है, तो कोई और टेस्ट भी है। गर्मा गर्म कढ़ाई से निकला हुआ है और दो इडली लिया है, दो मेदू वड़ा लिया है, ये सांभर है, ये नारियल की चटनी है, टमाटर की चटनी है, और मासी के लिए दो मेदू वड़ा पैक करा लिया। 50 रुपीस में मतलब पेट भर गया मेरा, और ऊपर से मासी के लिए भी पैक करा लिया, तो सस्ता ही है यार, और टेस्टी भी है, अच्छा भी है, हाइजीनिक भी है। और आज शायद निकलना है मुझे, अभी डिसाइड करूँगा 3 बजे के करीब कि निकलना है या नहीं, क्योंकि मेरे 4-5 बजे तक काम है। अगर जल्दी हो जाता है वो तो फिर निकल जाऊंगा, नहीं तो फिर कल के लिए टाल दूंगा, देखते हैं क्या होता है। और देखो सामने ना कितने मस्त फूल लगे हुए हैं यार, ये बरगद का पेड़ है और यहाँ तो शाम को चिड़िया ही चिड़िया रहती है। आज पता है आज फ्राइडे है और मैं आया था विरार से फ्राइडे को, पूरा एक हफ्ता मैं ये बफेलो के यहाँ पे हूँ, और अभी शाम के 4 बज रहे हैं, और इसकी कहानी है मैं चलते चलते बताऊंगा कि कितनी बार पोस्टपोन हुआ है। ये वक्त एक्चुअली क्या था ना कि बैग था, और अभी जाते वक्त जो अटैची छोड़ के गया था, अभी निकल रहा है कुछ दिनों के लिए अपने काम से, फिर जब मिलेंगे हम लोग फिर धमाल मचाएंगे कुछ ना कुछ। और चलो बीच में आपसे थोड़ी बातें करते हुए चलेंगे। नमः शिवाय, जय माता दी, हर हर महादेव। और अभी जल्दी जल्दी निकलते हैं, नहीं तो क्या होगा ना कि ऑफिस छुट्टी का टाइम होगा और भीड़ बढ़ जाएगी। तेल भरवा लेते हैं यहीं से भैया, 120.65 रुपए है अभी 1 लीटर तेल ये थाने में। और यहाँ से पहाड़ी शुरू हो गई है, 4-4:15 हो रहे हैं, तो हवा में थोड़ी सी ठंडक है। मैं 3 दिन से आने की कोशिश कर रहा था, बुधवार को तैयार हुआ आने के लिए, फिर क्या हुआ ना मैं सुबह सुबह रेडी भी हो गया, नहा धो के सब पैकिंग वैकिंग हो गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन पता नहीं यार बहुत अजीब सा लग रहा था कि जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। कभी कभी होता ना दिल की बात मान लेनी चाहिए, तो फिर मुझे लगा कि यार आज पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है जाने के टाइम। तो फिर मासी ने भी बोला कि यार मतलब जाने की इच्छा नहीं है और मन नहीं मान रहा है तो मत जाओ। तो फिर मैंने कहा कि हाँ कभी कभी मन की बात माननी चाहिए, फिर मैं अगले दिन आने की कोशिश कर रहा था। फिर अगले दिन भी ऐसा हुआ कि पापा ने बोला जब इतने दिन रह गए तो एक दिन और रह जाओ, तो वो सारी चीज़ें होती चली गई। और फिर आज फाइनली, आज भी सुबह आ रहा था, मतलब नाश्ता वाश्ता कर लिया था, सुबह आने की तैयारी थी, सब तैयारी हो गई। फिर पापा का आज वर्क फ्रॉम होम था क्योंकि आज उसको निकलना है कहीं, तो उसने कहा खाओ आके जाओ फिर, तो फिर सुबह आना रुक गया, तो अभी निकल रहा हूँ मैं फाइनली। मासी लोग आ गए, पापा लोग आ गए, तो मेरे लिए अच्छा हो गया यार, एक ब्लॉगिंग का भी हो रहा है उसके ऑफिस के साथ, जैसे ये ट्रिप मार लिया वो सब होना थोड़ा मुश्किल हो जाता, थोड़ा क्या होता ही नहीं शायद, और जैसे अलीबाग वगैरह होके आए तो वो सब भी नहीं हो पाता। तो बस ये है कि इसके लिए फिर वही कहूँगा कि भोलेनाथ, माता रानी, यूनिवर्स, एंजल्स, सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि हर पल वो मेरे साथ है और किसी ना किसी को भेज ही देते हैं। अहमदाबाद वाले रोड पे आ गए, गोड़बंदर वाला रोड खत्म हो गया है, मतलब यहाँ जॉइंट हो जाती है, ये वाला हिस्सा जाम लगता ही है, फ्लाई ओवर बन जाए ना तो फिर सब ठीक हो जाएगा। और मुझे राइट जाना है, लेफ्ट की तरफ मुंबई है। मुंबई डॉक है जो पानी का जहाज है, तो वहाँ से जो बाहर से सामान आता है तो यहीं से निकलती है सारी, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और आगे के लिए, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होती है, चिपक चिपक के चल रही है। ये मैं साइड से निकला, चलो बस यहाँ तक का ही है मामला, ये एक बार हट जाएगा, ये पुल बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है,
तो इसीलिए नया पुल बन रहा है वो जो आप सामने देख रहे हो ना। तो एक बार वो फ्लाई ओवर बन जाए उधर से, ये नया वाला पुल बन जाए तो काफी कुछ आराम हो जाएगा। ये क्रीक है, समुंदर से कट के निकली है, आराम आराम से चल रहा हूँ क्योंकि पीछे बंधा हुआ है ना, तो फिर उसका थोड़ा सा रहता है कि गड्ढे उड्ढे आ गए तो फिर प्रॉपर तरीके से नहीं है ना, ये जुगाड़ू तरीका है सब। सैडल बैग वगैरह हो, टॉप बॉक्स वगैरह हो, तो उसमें एक अलग तरीका रहता है, ये जुगाड़ू है बांध बूंद के या ढीला ढीला ना हो जाए, इसलिए बीच में उतर के देखना भी पड़ेगा मुझे कि एक बार चेक करना पड़ेगा। अब ये जो पहाड़ी देख रहे हो ना आप, एक बार बारिश आने दो फिर देखना, ये पूरा नज़ारा बदल जाएगा। और आधा रास्ता पहुंच चुका हूं मैं। और ये विरार का आ गया है मोड़, यहाँ से 10 किलोमीटर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं, चाय पीते हैं और बैग चेक करते हैं। पहुंच गए, यहाँ बैग लटका हुआ है और यहीं पे मैं कैमरा लटकाता हूँ। यहाँ पे बैग एकदम सही है, यहाँ से बंधा हुआ है, बंजी कॉर्ड से इस तरफ से बंधा हुआ है सारा। और ये देखना जरूरी है कि हाँ तो बिल्कुल परफेक्ट है। और मुझे एक्चुअली चाय पीने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मुझे बैग चेक करना था, तो फिर मैंने कहा कि यार एक बार में दो काम हो जाए, चाय भी पी लेते हैं बैग भी चेक कर लेते हैं। अपने को भी रेस्ट हो गया, बैग भी देख लिया, गाड़ी को भी थोड़ी रेस्ट मिल गई। और यहाँ से अपन को लेफ्ट जाना है और यहाँ से पूरा 10 किलोमीटर है। जय जीप दानी माता जी की। और यहाँ से जीप दानी माता जी का एरिया शुरू हो जाता है, उनके छत्र छाया के अंडर आ चुके हैं हम। सामने ट्रेन जा रही है, आते वक्त भी फाटक बंद मिला था, अभी जाते वक्त भी फाटक बंद मिल रहा है। दिल्ली और मुंबई वाली ट्रेन लाइन है यहाँ से, तो फिर ये अक्सर बंद ही रहती है, तो क्योंकि बहुत बिजी रूट है, तो बस बीच बीच में खुलती है समझो। निकलो 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 फटाफट, को डर रहता है कि फाटक फिर बंद ना हो जाए, इसलिए सब भागा दौड़ी करते हैं यहाँ पे। बस पहुँच गए अपने ग्लोबल सिटी, यहाँ से कट मारते हैं। और कैमरा कहाँ देख रहा है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता यार, यही होता है यार गाड़ी चलाने में, कैमरा कहाँ देखता रहता है मुझे पता नहीं। तो आते वक्त संगीत से मिल के आए थे, अभी जाते वक्त फिर संगीत से मिल के चलते हैं। देखते हैं भाई सब क्या कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है लॉक करके है। बाथरूम जाता है तो लॉक करके जाना पड़ता है यार, इसकी मजबूरी समझो। तो सेक्सी वाली कॉफी बन रही है, सही टाइम पे आया, डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, देखो कोई भी कट नहीं है इसमें। हाँ आते आते मिला है, और ये देखते रहो। और मेरा कैमरा ना मेरे बैग में ही है, और मैं लास्ट में दिखाऊंगा कैसे शूट किया मैंने। और ये देखो, मैं मुझे भी झुकना पड़ रहा है। ओहो ये देखो, मतलब ब्लैक गोल्ड निकल रहा है, ब्राउन गोल्ड तो ब्रू होता है ना, इसको देखते हुए कभी भी नहीं थकता। हाँ खुशबू इतनी आ रही है ना, क्योंकि मुझे झुकना पड़ रहा है ना कैमरे के साथ, नाक तक आ रही है भाई खुशबू एकदम मस्त। देख लिया ना आप लोगों को लालच आएगा, अभी पीते हुए दिखाते हैं। चलो देखो ऐसे ही आया था मैं, ये देखो हेलमेट भी नहीं उतारा कुछ नहीं, तो मतलब एक तरह से ये मानो कि बंदूक में गोली भरी रहा था, फायर करने वाला था, तभी पहुंच गया। और ये देख रहा हो, ये कॉफी नहीं है, दिल बना हुआ सेक्सी वाली कॉफी है, सेक्सी कॉफी है ये। और देखो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और ये सेक्सी वाली कॉफी के साथ देखो किस्मत वालों को मिलती है, देख रहे हो ना, जरिया ये है, लेकिन पता ही है ना अपना कनेक्शन कहाँ से, भोलेनाथ से, माता रानी से, यूनिवर्स से, तो उन्होंने पहले संगीत को बोल दिया होगा मनी मन की अभी बना बेटा, और उसी टाइम में पहुंच गया। तो फिर ऐसे ही होता रहता है आपके साथ, अगर ऐसे दोस्त हो तो फिर यार जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो फिर ज्यादा बात नहीं करते हैं, अगली सभा में जरूर मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे बिल्कुल नहीं पता है। और एक बात और है कि आप सबका साथ है,
तभी जिंदगी में बात है। तो इसी तरह से अपना साथ और प्यार चैनल को देते रहिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिएगा, और इसी के साथ टाटा बाय बाय, थैंक यू। Keep on walking, though the shoes I wear are a mess. As I walk, 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 and I keep on walking, till I know the end of the road.